चलिए शुरू करें। मेरे ठीक ख्याल से ये सर। वाली चीजें हमने जो है फंडामेंटल यूनिट पढ़ लिया था ना, सिग्निफिकेंट पढ़ रहे थे। यस सर। ओके सर लो से ओके पढ़ चलिए। ले, दो लो पढ़ा दिए थे आपने अच्छा आपने लॉ भी पढ़ लिए थे। ओके थैंक यू बेटा। सर। यस सर। यहीं से था हम लोग को पढ़ना था। मैं अरे बेसिकली एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ सिग्निफिकेंट के। जैसे कि आपसे कोई पूछा जाए कि 100 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, बताइए। सर वन वन होंगे थ्री ठीक है, अगर जो याद थ्री रखा। हाँ ओके थैंक यू। सर। अगर जब हाँ बोलिए, कुछ डाउट है तो बोलिए। कोई कुछ पूछ रहे थे ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है ठीक है। यानी कि हमने क्या कहा कि आपके पास अगर जब पूछा जाए कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, याद रखना मेरी बात, कि अगर कभी भी लास्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद अगर जो जीरो आते तो एज अ उसको सिग्निफिकेंट के रूप में नहीं काउंट करते हैं। यानी कि इसके अंदर कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर, वन हो जाएंगे। अगर मान लो कि मेरे से पूछा जाए 10 to the power 6 में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, सर वन तो मुझे बता सकते हैं वन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। अब यानी कि जब वन भी पावर होगा तो सिग्निफिकेंट वन फिगर कितने हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। पावर वाले 10 to the power अगर कुछ भी दिया रहे तो यानी कि वो कितने हो जाए, जीरो हो जाएंगे ठीक है। यानी कि याद रखना। तीसरा हमने बताया था कि अगर जो मान लो 10 मीटर हो तो यहाँ पे इन्फिनाइट या नन ऑफ दिस जो भी आंसर दिया रहेगा आप उसको जो है क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। ये बेसिकली हमने बात कर लिया था। लेकिन इन तीनों को जैसे मैं आप पूछूं कि 1000 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो मुझे बता सकता है। वन वन सर वन वन वेरी गुड थैंक यू बेटा वेरी गुड। अब मान लो कि आपके वन पास क्या हो जाएगा कि मेरे पास दे दिया 10 to the अगर जो 2.10 into 10 to the power 3, अब बताइए कितने हो जाएंगे। सर थ्री थ्री, वेरी गुड। यानी कि थ्री अब जो है 3 हो जाएंगे। हमने बेसिकली आपको 4 रूल बताए थे। एक तो पहला रूल कहा था कि ऑल सिग्निफिकेंट डिजिट जो होंगे उसको जो हम क्या करोगे, यानी कि सिग्निफिकेंट यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये सारे को आप जो है एज अ नॉन जीरो डिजिट को सिग्निफिकेंट करोगे। दूसरा हमने कहा था कि अगर जो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच अगर जो 0 आता है तो उसको आप क्या करोगे, एज अ सिग्निफिकेंट लोगे। तीसरा हमने कहा था कि अगर 1 के बाद यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद अगर जो 0 आता है तो उसको आप काउंट करोगे। लेकिन मैंने कहा था कि अगर 0.1 आ जाए तो इस 0 को और इसको जो है एज अ सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करोगे। यानी कि 0 की वैल्यू तभी होगी जब दशमलव से पहले कोई ना कोई जो है यानी कि क्या हो, सिग्निफिकेंट डिजिट हो। यही बेसिकली थर्ड और ये जो है क्या था, फोर्थ रूल था। आपको फिफ्थ अगर याद रखना है 10 to the power 4 अगर जो पावर में कभी भी 10 के पावर में दिया रहे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। अगर ये 1000 दिया रहे या 10 लाख दिया रहे 10 करोड़ दिया रहे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाता है, वन हो जाता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया 3.21462 into 5.9831 into आपके पास क्या आ गया, मान लो कि 6234 और यहाँ पे मैंने दे दिया 1.2 into 1.45 1.3415 into 6.73241। आपको मान लो कि सपोज करो इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि इसमें बताओ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, तो कोई बता सकता है क्या, कैलकुलेशन करेंगे क्या? नहीं। वेरी गुड। टू यानी हाँ सर, ये जो सबसे लीस्ट होगा ना, याद रखना क्या होगा, जो सबसे लीस्ट होगा ना उसी को एज अ सिग्निफिकेंट के रूप में काउंट करना। सर अच्छा अनुराग, आप अपनी कुछ प्रॉब्लम है आपकी आईडी में? अनुराग क्या मुझे आप बता सकते हैं? अनुराग मेरी आवाज जा रही है आपको? हेलो मेरी आवाज जा रही है अनुराग आपके पास, तो प्लीज बोलिए क्योंकि आपकी आईडी मेरे को वार्न कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, प्लीज अगर जब आपकी आईडी नहीं है तो अपनी आईडी से ज्वाइन हुआ कीजिए इस तरह से, फिर नहीं तो फिर मेरे पास, मैंने भी अलाउ कर दिया है लेकिन आगे मैं अलाउ नहीं करूंगा ठीक है। हाँ चलिए अब यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, अब पहली बात आप लोग थोड़ा पंचुअल होना सीखिए। जिसने समय की कदर नहीं किया उसकी समय कदर नहीं करता है ठीक है। चलिए और दूसरी आपको मैं एक यानी कि कहा गया है कि अगर आप बुक
को सर्च करोगे तो तुम्हें कल गूगल सर्च करेगा, इसीलिए डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना चाहिए ताकि कि आपको भी लोग जो है गूगल पे सर्च करें। जैसे देखना जो टॉपर होते हैं उसको गूगल पे सर्च किया जाता है, 2023 का टॉपर कौन होगा इस चीज को जो कई बार सब जो है सर्च करते रहते हैं, जेई का नीट का जो है अलग अलग जो है एग्जाम के जो है यानी कि जो हम लोग सर्च करते रहते हैं। ठीक है चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करोगे, जब भी आपको ये यानी कि कैलकुलेशन करना शुरू कर देना। अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको तो मुश्किल से 1.5 मिनट नहीं मिलता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यानी कि इस प्रकार से जो सबसे लीस्ट होगा वही एज अ सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है चलिए, अब हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि अगर मास ऑफ रिएक्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनना, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। अब ये ऊपर में देखो डेफिनेशन क्या कहता है, इट स्टेट दैट मैटर इज नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ये ना तो आप क्या कर सकते हो, मैटर को क्या कर सकते हो, ना तो बना सकते हो, ना ही क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिर्फ हम लोग केमिकल चेंज कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल को चेंज कर सकते हैं। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट। मैं कहूँ कि मैंने रिएक्टेंट लिया 10 ग्राम, क्या मैं 12 ग्राम बना सकता हूँ? नो सर। अगर कोई कहता है कि मैं 12 ग्राम बना सकता हूं तो उसको मेरे पास लेके आना, मैं उसको जो है नोबेल प्राइज दिलाऊंगा और 7 पुस्तक लग इतने पैसे दिलाऊंगा कि वो फिर कभी जो है कहेगा कि जितना खर्च करना है खर्च कर सकता है। ठीक है, अगर जो कोई ऐसा कर सकता है प्लीज मेरे को बताना कि 10 ग्राम से जो है, हाँ 10 ग्राम से 12 ग्राम बना दे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो अगर ऐसा कोई कर दे। हाँ, अब ये नहीं करना कि सर गलती से उसने बना दिया था। ठीक है, कई बच्चे, एक बार मैंने पिछली क्लास में बोला था, उसने बोला देखो सर इसने कर दिया, मैंने कहा इतने केमिकल कैलकुलेशन गलत कर दिया, तो बोला कि क्या ना सर, सर तो मैंने वही कहा कि नहीं आपको जो है यानी कि ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें जो है आप रियल में जो है बढ़ा सको, ऐसा नहीं कि बाई मिस्टेक या बाय कैलकुलेशन या इस टाइप से जो है नहीं कर सोचना है। ठीक है, हाँ, तो ऐसे सोचो लॉजिक क्या है कि क्यों नहीं बढ़ सकता, खुद सोचो। मैंने क्या कहा कि अगर मेरे पास 10 ग्राम से मैं 12 ग्राम कन्वर्ट कर लेता तब तो मैं जादूगर कहलाता। मतलब मैं कहता क्या कहता, ऐसा पॉट बनाता, उसके अंदर 10 ग्राम डालता 12 ग्राम निकालता, 10 ग्राम चावल डालता 12 ग्राम निकालता, इसी तरह करते चले जाता, मेरे को खेती ही नहीं करना पड़ता। मैं क्या करता, सबके घर में जो है 10 10 घड़े दे देता और सबसे जो है यानी कि क्या कर लेता, कहता कि भाई तुम जो है एक काम करो, यानी कि जितने आदमी हो उतना घड़ा ले लो और उसी में जो है सबका जो दिन भर में बढ़ते चले जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से सबके घर में 2 2 ग्राम बढ़ते चले जाता और इस प्रकार से क्या हो जाता, यानी कि आपको चावल उपजाने की जरूरत नहीं पड़ती, चावल दाल तेल सभी चीजें जो आप क्या कर सकते थे, घर ही बना सकते थे, जादूगर कहलाते। लेकिन ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिस कारण से मैंने कहा कि जो है ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अब इसकी जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ना कहाँ कहाँ इनवैलिड होती है, तो याद रखना, एक तो न्यूक्लियर रिएक्शन में इनवैलिड होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये हर जगह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। अगर हम लोग सिंपल केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली ये क्या करता है, यानी कि फॉलो करता है। लेकिन अगर मान लो कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो वहां पे ये फॉलो नहीं करता, इस बात को याद रखना। न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो है इनवैलिड हो जाता है क्योंकि वहां पे जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यानी कि नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वहां पे बहुत सारी जो है एनर्जी के टर्म में जो है मास इधर से उधर चले जाता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं यानी कि जो है वहां पे नहीं लगता। दूसरा कि अगर जो मान लो कि मेरे पास क्या हो जाए कि आइसोटोप के केस में भी कई बार जो है यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है नहीं लग पाता है। ठीक है, वैसे तो आपको अगर केमिकल में लगाना है तो बिल्कुल लगाना पड़ेगा, सॉरी मैं केमिकल कर आइसोटोप की नहीं बोलना चाहिए था मुझे, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट में क्या हो जाता है यानी कि जो है वहां पे ये जो है क्या होता है यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता है, यानी कि लेकिन बाकी जगह जनरली आपके पास होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन क्या पूछता है, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कहता है कि ए एंड बी, मैं सपोज करूं कि वाटर ही ले लेता हूं समझाने के लिए, वो पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। सपोज करो कि मेरे पास क्या है कि H2 ले रहा हूं, क्योंकि बार बार आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, मैंने भी सुना है, तो इसीलिए जो हम लोग जो है सिंपल लेते हैं यानी कि H2। ठीक है, अब मैंने कहा कि मेरे को कहता है कि इसका मास जो है यानी कि कितना बन रहा है,
मैं कहूं 54 ग्राम, ठीक है, मेरे को कह दिया कि यानी कि 54 ग्राम बन रहा है। मेरे को कहा कि इसका जो मास है, सपोज करो कि हम एग्जैक्ट हम नहीं बात कर रहे, लेकिन हमने कहा कि इसका मास जो है यानी कि कितना बन रहा है, 48 ग्राम बन रहा है। मैंने 48 ग्राम ले लिया। अब आपसे पूछ रहा है, कहता है कि दिस रिएक्शन इज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आपसे पूछा कि ये कितना ग्राम बनेगा, यानी कि क्या करोगे कि जो है प्रोडक्ट में से जितने भी रिएक्टेंट है उसके यानी कि H2+O2 का मास हो जाता, और आपके पास यानी कि H2 का निकालना, इसको X मान लीजिए, और इसका मास कितना दिया हुआ है 48 ग्राम, और इसका मास कितना दिया हुआ है 54, और यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी आपके सामने। अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप जो है इस चीज को ध्यान रखना कि वहां पे क्या करना है, कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यानी कि आपके पास लॉ ऑफ रिएक्टेंट के अनुसार से जिधर मास जितना होना चाहिए प्रोडक्ट का, उतना ही मास क्या हो जाना चाहिए रिएक्टेंट का, इस टाइप का आपके जो है क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हो यानी कि सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मैं सेकंड लॉ ले लेता हूँ वापस अपने जो है, चलते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है कि जो कंपाउंड होते हैं ना, जो भी कंपाउंड होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक फिक्स रेशियो में मिलके बने होते हैं, यानी कि जो भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, यानी कि फिक्स रेशियो में जो है मिलके बने होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि चाहे पानी मैं यहाँ कर लूं, यानी कि हमने बताया था कि 1:8 जो है यानी कि वाटर बने होते हैं, यानी कि H2O का। अब देखो मैं चाहे पानी यहाँ कर लूं, चाहे अमेरिका कर लूं, चाहे ब्रिटेन कर लूं, ठीक है, तो उनकी जो रेशियो होगी यानी कि 1:8 होगी। जैसे इन्होंने अपने बुक में एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आपके पास क्या है कि कोई एक नेचुरल सैंपल ले लिए, ठीक है, यानी कि हमने क्या करा कि एक कोई नेचुरल सैंपल ले लिया जिसके अंदर जो था परसेंटेज था कॉपर का या कॉपर सल्फेट ले लिया। अब यहाँ पे ये सारी चीजें थी। अब जब हमने देखा कि सिंथेटिक हमने सेम चीज इस कंपाउंड को बनाया तो भी इसके अंदर जो यानी कि क्या रिक्वायरमेंट पड़ी, इतनी इतनी परसेंटेज की जो है रिक्वायरमेंट पड़ी, यानी कि आप चाहे केमिकल नेचुरल तरीके से बनाओ चाहे केमिकल के तरीके से बनाओ, उसके अंदर जो होगा वो हमेशा क्या होगा यानी कि सेम टाइप के जो है यानी कि रेशियो से बना होगा। अब वैसे भी हमने कहा था कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, एक फिक्स रेशियो में जो है बनते हैं, ठीक है, यानी कि जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे बनते हैं, एक फिक्स रेशियो में बनते हैं। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ, ओके, चलिए। अगर जो किसी को कोई डाउट लगे ना, प्लीज बेटा जरूर पूछना है, ठीक है। हाँ बोलिए वंश, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते चले आना, ठीक है। ये भी जो है इनवैलिड होता है फॉर आइसोटोप्स के लिए। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज इनवैलिड, मैं लिख भी देता हूं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज इनवैलिड, इनवैलिड किसके लिए इनवैलिड होता है, अगर जब पहला पॉइंट लिखो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के लिए यानी कि क्या हो जाएगा। अब देखो मास और रेशियो दोनों चेंज हो जाएगा। जैसे एक समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज करो कि मेरे पास क्या है H2 और +O2, ठीक है, यानी कि H2O। अब मैंने कहा कि इसका जो है मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, क्या कोई मुझे बता सकता है? हाँ, तीन कौन कौन से होते हैं, नाम कोई बता सकते हैं? सोडियम ड्यूटेरियम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, यानी कि आपके पास जो होते हैं यानी कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम। कोई मुझे बता सकता है कि प्रोटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं? ओके बेटा, मैंने फिर से समझा। हाँ कितने होते हैं, सबका एक वन आ रहा होगा, वन न्यूट्रॉन। ओके, और किसी का कुछ आंसर आ रहा है प्रोटेरियम में, प्रोटोरियम, और किसी का कुछ आंसर है तो प्लीज बताइए। अगर किसी का कुछ और आंसर, प्लीज आप लोग बोलिए, डरिए मत, गलत ही तो होगा और क्या होगा, इसमें डरने की क्या बात है, ऊपर वाला अपने साथ है, ठीक है, ड्यूटेरियम कुछ नहीं होगा। हाँ, ये सबका वन आ रहा है कि किसी का और भी कुछ आ रहा है? वेरी गुड सतवीर, यानी कि जो है इसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं वो जीरो होते हैं, ठीक है, यानी कि कितने होते हैं, जीरो होते हैं। वेरी गुड आयुष, हाँ, यानी कि अब देखो जीरो क्योंकि आपके पास हाइड्रोजन प्रोटेरियम जो होता है वन वन होता है, प्रोटॉन की संख्या वन हो गई, तो
अब मास वन है तो यानी कि मास क्या करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बना होता है, तो प्रोटॉन का मास है तो यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, जीरो, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, वन हो जाती है। ठीक है, आपको इस बात को याद भी रखना है। यानी कि प्रोटेरियम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, कई बार छोटे छोटे एग्जाम में अब पूछे जाते, पहले IIT ने पूछा था, अब लेकिन ऐसा पूछता नहीं क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन अब जनरली ट्रेंड रहा नहीं। 1999 के आसपास जो है इस टाइप से जेई मेंस, जिसको AI EEE कहते थे, तो वहां पे जो है पूछा जाता था। अब इस सब इस टाइप के क्वेश्चन वो नहीं पूछता क्योंकि काफी आउटडेटेड हो गए हैं। ठीक है, चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि इसका मास निकाल सकते हो। अगर जब मैं यहाँ पे आइसोटोप ट्रिटेरियम ट्रिटेरियम का ले लूंगा तो यानी कि इसका मास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे जो है मास क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोटेरियम है तो 1 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो कभी भी सेम नहीं हो सकता है। अगर जब सेम टाइप के आइसोटोप्स है तब सेम हो जाएगा, अगर जब डिफरेंट टाइप के है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि डिफरेंट होगा। तो फिर से एक बार जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन समझा देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है क्या कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन हो, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, ए प्लस बी को मैं रिएक्शन करा रहा हूँ और मैंने क्या बना दिया, सी बना दिया। अगर जो मैंने इसका 10 ग्राम लिया, इसका 2 ग्राम लिया, तो सी जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, 12 ग्राम बन जाएगा। यानी कि जितना मास रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही मास क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि जितना जो है मास क्या होगा, रिएक्टेंट साइड होगा, उतना ही मास क्या हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, यह है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या कहता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड जब बनेगा तो यानी कि वो किस रेशियो में बनेगा, फिक्स रेशियो में जो बनेगा, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं एक बार। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज, अगर जो किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है इस दो लॉ में। आगे बढ़े, ओके वंस, और किन्हीं को, अगर जो किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग बहुत कम बोलते हैं, बाकी बैच में बहुत ज्यादा बोला जाता है, आप लोग तो बोलते ही नहीं है, काम की भी चीजें नहीं बोलते हैं। नो सर, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। ठीक है, कहते हैं जिंदा हो तो जिंदा होने का एहसास दिलाते रहो। अच्छा, किसी की माइक की प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके चलता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आप लोग अभी सर स्टोइकोमेट्री है ये, नहीं अभी नहीं, स्टोइकोमेट्री आगे आएगा। ठीक है, जब आएगा तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, हाँ आने वाला है अब वो। चलिए, ये दो लॉ तो हमारे पास हो गया, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी कि क्या होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को काफी ज्यादा जो है इसको समझने में कई जगह दिक्कत होती है। मैं बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कहता क्या है कि मान लो कि मेरे पास दो एलिमेंट है, ए और बी। अब इसमें क्या कहता है कि आप एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर दो। मैंने ए के मास को क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। ठीक है, ए के मास को हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। तो कहता है जो बी का जो कंपाउंड का, यानी कि जब एक से ज्यादा, अगर ए और बी से हम दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड बना रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि अगर हमने बी के ए के मास को फिक्स कर दिया तो बी का मास वेरी करेगा। तो कहता है बी का मास का रेशियो भी तो क्या हो जाएगा, एक सिंपल रेशियो में आ जाएगा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको काफी कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा कि मैंने ए और बी से 3 मॉलिक्यूल्स बनाए, मैंने कहा कि ए का मास फिक्स कर दे तो बी का मास ही तो चेंज कर रहे होंगे, यानी कि जब बी के मास को चेंज करेंगे तो उनका रेशियो भी सेम हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ, मान लो मेरे पास H2O है और H2O2 है, मैंने कहा कि हाइड्रोजन के मास को फिक्स कर दो, तो यानी कि ऑक्सीजन का मास ही तो वेरी करेगा। अब ऑक्सीजन का मास वेरी करेगा तो इनका रेशियो भी क्या आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। यही बात जो है यानी कि क्या कहता है, यानी कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। यानी कि क्या कहता है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, यानी कि आपके पास दो एलिमेंट है और जब उससे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनते हैं, इन विच फिक्स्ड वेट ऑफ वन एलिमेंट, उसमें से आपको क्या करना है, एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर देना है विथ डिफरेंट वेट ऑफ अदर, यानी कि दूसरे का मास क्या होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनका जो रेशियो आएगा सेकंड का क्या आएगा, यानी कि जो है सिंपल न्यूमेरिकल रेशियो में आएगा या होल नंबर में जो है यानी कि इसका रेशियो आ जाएगा। मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना, देखना, IIT में पहले आता था, अब तो इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है,
जैसे मैं कहूँ कि मैंने क्या करा कि मैं क्वेश्चन के टर्म में कह रहा हूँ, मैंने नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दिया, कितना कर दिया 28 ग्राम कर दिया, मैंने नाइट्रोजन के मास को कितना फिक्स कर दिया 28 ग्राम कर दिया। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि मान लो कि सपोज करो ये है, यहाँ पे नाइट्रोजन का मास रखूंगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का, क्योंकि मेरे पास दो ही है, यहाँ पे मैंने क्या करा नाइट्रोजन का रखा और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का रखा, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पे जो है 28 ग्राम है तो ये 80 ग्राम है, और यहाँ पे मेरे पास 14 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 7 ग्राम रखा तो यानी कि कितना हो जाएगा 16 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कितना रख दिया, मैंने 56 ग्राम रख दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 128 ग्राम, और ये भी मेरे ख्याल से N2O5 सेम ही है तो मैं इसको जो है चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 14 ग्राम ले ले रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 ग्राम, ठीक है। अभी सारे ग्राम में दिए हुए हैं, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, अब समझ जाना यानी कि सारे के सारे ग्राम में दिया है। अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुना, क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने कि मान लो कि यहाँ पे उसने क्या करा कि मास जो है नाइट्रोजन का फिक्स कर दिया, तो आपको ऑक्सीजन का रेशियो निकालना, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले जो है यानी कि क्या करेंगे कि सबको 28 ग्राम जो है कन्वर्ट करेंगे, ये 28 ग्राम है तो यानी कि ये 28 रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुना क्योंकि कंफ्यूजन होता है बहुत बच्चे को, पिछली बैच में भी पढ़ा रहा था तो वो लोग ध्यान से सुने नहीं, बाद में कह रहे थे कैसे जो है आपने इथी कर दिया। मैंने कहा कि इसका मास नाइट्रोजन के क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा कि इसका मास जो है आपको कितना फिक्स करना है, 28, 56 जो भी आपको दिया रहेगा आपको उसी के अनुसार चलना है, मैंने सिंपल ले लिया ताकि मेरे को कैलकुलेशन ना करना पड़े। अब हमने क्या करा कि नाइट्रोजन के मास को हमने फिक्स कर दिया 28, ये तो ठीक है 28 यानी कि 80 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास ये तो 28 नहीं है, ये 28 नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 2 से, 28 करने के लिए आपने इधर किया तो इधर भी कितना हो जाएगा 2, तो आपको रेशियो निकालना है इसका, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 32। अब यहाँ पे आपका 7 है तो यानी इसको 28 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो यानी कि कितना हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा है सर 28 होना जरूरी है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा कि एक के मास को फिक्स है, यही तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि आपके पास दो एलिमेंट है, अगर जो दो एलिमेंट में से एक का मास को आपको क्या करना है फिक्स करना है, अगर जो एक के मास को फिक्स करोगे तभी तो दूसरे का रेशियो निकाल पाओगे, नहीं तो रेशियो ही नहीं निकाल पाओगे, इसीलिए हमें जो है यानी कि आपको एक क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपको एक कोई भी नाइट्रोजन हो ऑक्सीजन हो आपको इस प्रकार से उसके मास को क्या कर देना है यानी कि फिक्स कर देना, ठीक है चलिए। लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो यानी कि क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से 30 कर दिया है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, थैंक यू बेटा बताने के लिए, कई बार मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे जो है यानी कि कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यहाँ भी कितने टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, और ये 80। अब देखो यानी कि ये आ गया, अब देखो इसको ऐसे नंबर से कटा दो जो कट रहा हो, तो 16 से कट रहा है, ये 5 बार में, ये 2 बार में, और ये कितनी बार में, सॉरी ये 1 बार, 2 बार में, ये 4 बार में, ठीक है, और ये भी कितनी बार में 4 बार में, और ये कितनी बार में 5 बार में, यानी कि ऑक्सीजन के जो एटम का होगा N2O5 N2O2 N2O3 N2O4 N2O5 में जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5:2:2:4:4:5 हो जाएगा, यानी कि यही जो है इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का रेशियो आ गया। क्या मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, थ्री वाले सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिर मैं आपके लिए दो क्वेश्चन दूंगा। चलिए हमने क्या कहा कि आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, हमें क्या कह रहा है कि मान लो सपोज करो कि आपके सामने क्या कहता है कि हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता क्या है कि अगर आपने दो एटम लिया उससे जितने भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बना सकते हो बना लो, हमने बना लिया, लेकिन वो कहता है कि आपको एक एटम का मास फिक्स करना है तो दूसरे एटम का जो है रेशियो निकालना है, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई उन्होंने कहा कि एक एटम का मास यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 28 ग्राम दिया हुआ, हम चाहेंगे कि नाइट्रोजन का जो है सबका मास किसमें कन्वर्ट हो जाए 28 ग्राम में कन्वर्ट हो जाए। अब अगर 28 ग्राम में कन्वर्ट होना है
यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 28, अब यानी कि इसको सबको 28 कन्वर्ट करेंगे, जिसमें अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा से करेंगे, कम होगा तो कम कर देंगे। जैसे 2 से यहाँ पे 14 था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 7 था तो हमने 28 लाने के लिए क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 56 ज्यादा था 28 से तो यानी कि क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इस प्रकार से हमने सबको क्या कर दिया, देखो यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी क्या है 28 है, और यहाँ पे भी क्या है 28 है, और यहाँ पे भी 28 है, यानी कि तीनों का। अब हमने इसके जितना 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया। इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, सबका जो है यानी कि 28 के मास के इसके बराबर कर दिया। अब जब कर दिया तो यानी कि जो कटता है तब तक कटाना जब तक ये सिंपलेस्ट होल रेशियो में नहीं आ जाए। ऐसा नहीं कि आधा कट रहा है फिर, अगर जैसे मान लो यहाँ 10, 4, 8, 8, 10 होता, अगर ये 2 से कट रहा होता तो हम फिर से कटाते, हमें सबसे लोएस्ट में लेके चले जाना है, वहां पे जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन लिखूं सर? यस सर। और नहीं कर सकता, सॉरी मैं समझा नहीं, फिर से एक बार प्लीज क्या बताना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बताएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, माइनस और प्लस नहीं कर सकते, माइनस और प्लस नहीं करते हम लोग जनरली, जो है हम लोग जो है इसी को करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने है ये क्वेश्चन। ठीक है, मान लो कि मेरे पास है ये क्वेश्चन, जैसे मैं लेता हूं H2O2, ठीक है, H2O, HO2, और मैं ले लेता हूं H3O4। ठीक है, सपोज करो कि मेरी इच्छा है, मैंने कुछ भी ले लिया, मैं कहता हूं कि यहां पे सर इससे कटाना है, जिससे कट रहा होगा, ठीक है, यानी कि जिससे कट रहा होगा उससे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि कटा सकते हैं। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से, जरूरी नहीं है कि 2 से कट रहा है तो 2 से कटाओगे, 3 से कट रहा है तो 3 से कटाएंगे, 4 से कट रहा होगा तो 4 से कटाएंगे। मैंने 16 से कटाया क्योंकि जो है 16 से सभी के सभी जो है कट रहे थे, आप लोगों को नहीं पता तो पहले 2 से कटाना, 4 से कटाना, 5 से कटाना, जिससे कट रहा होगा धीरे धीरे करके जो है, लेकिन आपको लास्ट में जो है सिंपलेस्ट होल रेशियो में जो है लेके जाना है। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सपोज करो कि मेरे को यहाँ पे जो है मास दिया हुआ है हाइड्रोजन का फिक्स कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, अगर जो मैंने यहाँ पे कितना ले लिया 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते, मैं अपने रेंडमली ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कितना ले लिया 2 ले लिया तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, यहाँ पे 1 ले लिया और तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ, मेरी इच्छा है मैंने ऐसा नंबर लिया जो कि सिंपलीफाई आसानी से हो जाए, मैंने ज्यादा दिक्कत वाली नंबर नहीं लिया। अब वो कहता है कि आपके पास जो होना चाहिए वो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, यानी कि 4 होने चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन का मास वो कहता है फिक्स होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, और आपको क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन का रेशियो निकालो। तो हमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन के मास यानी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, अब यहाँ पे 4 है तो यानी कि कितना हो जाएगा, रहने देते तो ये कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पे 2 से इसको 4 में कन्वर्ट करना है तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि अब कट देखो ऐसे नहीं लिखना बेटा, इसको जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसको उस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 4 कर देंगे तो यानी कि 4 हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब यानी कि अब जो कट रहा होगा यानी कि 32 और अगर मैं कहूँ 16 और 128 और 64, तो कट रहा है तो कटा दो, मेरे ख्याल से 16 से कट रहा है, यानी कि आप जैसे जैसे कटते चले जाएगा, हाँ वेरी गुड, 2:1 और ये कितनी बार में लग जाएगा 8 बार में। ठीक है, अब यहाँ जो है कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, 16×64। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 2:1:8:4, वेरी गुड सगुन आयुष, ठीक है, वेरी गुड, आप लोगों ने जो बिल्कुल सही जवाब दिया है यतीन मोदी, वेरी गुड, 2:1 आपने एक ज्यादा लिख दिया मेरे ख्याल से 2, तो एक ज्यादा हो गया होगा, गलती बाय मिस्टेक लिख दिया होगा, सही मिस्टेक हो गया,
हाँ ओके ठीक है, कोई बात नहीं, यानी 2:1:8:4, यानी किस प्रकार से निकालना। मैं आप लोगों के लिए एक होमवर्क दे देता हूँ। वेरी गुड सत्वीर, यानी किस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो निकालते हैं निकाल सकते हैं। मेरा एक होमवर्क दे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। सपोज करो कि मैंने जो है ना जो है मैं बनाना चाह रहा हूँ कार्बन से एंड ऑक्सीजन के जो है बनाना चाहता हूँ। मैंने बनाया एक CO2। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैं बस क्वेश्चन के लिए फ्रेम करने के लिए जो है आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूँ C2O4, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ C2O, और लिख देता हूँ मैं C2O4, ठीक है, और लिख देता हूँ C2O2। मैंने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया, मैंने कोई ऐसा नहीं कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स बनते होंगे, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है। मैंने बस ऐसे ही क्या कर दिया, यानी कि लिख दिया, ठीक है। अब जैसे ही लिख दिया तो यानी कि क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इधर साइड आपको दिया हुआ है कार्बन और ये ऑक्सीजन। इस बार कहता है कि ऑक्सीजन का मास को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है 32। यानी कि ऑक्सीजन का मास क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप बना के इसको जो है मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। यानी कि मैंने जो है क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया, ठीक है। चलिए अब ये फिक्स हो गया, तो मेरे पास कार्बन का मास दिया हुआ है 12, 32, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 24, तो ये कितना हो जाएगा 64। और अगर जो मैं कहूँ इसका मैंने ले लिया कितना 12 ग्राम, और तो ये कितना हो जाएगा 8 ग्राम। अगर जो मैंने इसको ले लिया कितना 12 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 24 ग्राम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम। यानी कि आपको क्या करना, दोनों सेम हो गया, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने बस ऐसे ही रैंडमली ले लिया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 24, और यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि कट जाए 3/2, ऐसा टर्म ना आए इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ, यानी कि 16 ले लिया, ठीक है। तो यानी किस प्रकार से आपको इसमें जो है बनाना है, कि इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये आपके लिए जो है होमवर्क है, आप इसको जो है बना सकते हो। यानी किसका जो रेशियो कितना आ जाएगा, यानी इस प्रकार से जो है इसको निकाल लेना। मेरे ख्याल से इस टाइप के पहले आते थे, अब IIT में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप सिंपली जो है यानी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ डाउट सकते हो तो आप हैं, पूछ सकते हैं सर। ठीक है। किसी को कोई डाउट, नो सर। ओके थैंक यू, चले आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखो गे लुसाक लॉ क्या कहता है। गे लुसाक क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होगा तो उसका वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा ना वो सेम आएगा। जैसे मैं कहूँ मैंने एक सिंपल ले लिया H2+O2=2H2O, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर इसका वॉल्यूम का रेशियो 1 वॉल्यूम आ रहा है, स्टोइकोमेट्री जो भी रहे यहाँ पे, सॉरी 2 होगा, बैलेंस नहीं किया। सबसे पहले रिएक्शन को जरूर बैलेंस करना, ये ध्यान रखना, मेरी इस बात को जरूर नोटिस करना। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे जो है बैलेंस करना शुरू कर देना, पहले देखना कि वो बैलेंस है भी या नहीं है। यानी कि 2 वॉल्यूम हो गया, ये 1 वॉल्यूम हो गया, तो ये कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 2 वॉल्यूम हो जाएगा। वो आपको क्वेश्चन क्या देगा ये नहीं दे रहा रहेगा, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, ये बेसिकली आगे जब होता है, मैं थोड़ी कल की क्लास में बताऊंगा स्टोइकोमेट्री। अभी हम लोगों को यहाँ पे इस क्वेश्चन को बताना है, ये जो आगे लिखे रहते हैं इसको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर जब वो कहता है इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज कितना दिया हुआ है, सपोज करो मैं ले लेता हूँ 60 ml, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2। अब आपसे जो है किसका पूछ दिया है, यानी कि H2 का, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुना। अब देखो यहां पे क्या होगा कि आपको जब भी दिया, यानी कि 2 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 ml दिया हुआ, तो आप एक वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 30 हो जाएगी, हो गई कि नहीं। अब देखो एक वॉल्यूम की निकल गई, तो क्या हम 2 वॉल्यूम को निकाल सकते, तो यानी कि कितनी हो जाएगी, 60 ml हो जाएगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई, अगर जब किसी को कोई डाउट हो तो तुरंत पूछना है, ये बात समझ में आई। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो मैंने क्या कहा कि आपको ना इसी टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। सपोज करो कि आपको क्या होंगे, यानी कि इस प्रकार से जो है क्वेश्चन दिए रहेंगे। अब जैसे मान लो कि उसने कहा कि 60 ml की जो है, यानी कि कितना दिया हुआ है कि जो है यहाँ पे वाटर दिया हुआ है, ठीक है।
यानी कि जो है वाटर की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 ml। हमें पता है कि ये अगर जो टू वॉल्यूम होता है, क्योंकि फिक्स रेशियो बनेगा, अगर जो टेम्परेचर प्रेशर सेम है, और वैसे भी टेम्परेचर प्रेशर जो भी होता है रिएक्शन का वो लगभग लगभग सभी का सेम होता है, जब तक कोई बाहर से एडिशनल कंडीशन का यूज ना किया जाए। यानी कि क्या हो गया, यानी कि ये 2H2 है, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 1 है, यानी कि जो भी स्टोइकोमेट्री होगा वही उसका वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। यानी कि हमने क्या करा कि 2 वॉल्यूम है इसका, 1 वॉल्यूम इसका है, और ये 2 वॉल्यूम जो है किसका है, यानी कि H2O का। अब यानी कि 2 वॉल्यूम की वैल्यू आप सॉरी आपको जो है यहाँ पे जो है 2 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। अगर जो 2 वॉल्यूम की वैल्यू 60 है तो 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। हाँ, अब यानी कि आपको यहाँ निकालना, तो यानी कि 2 वॉल्यूम की वैल्यू 60 है, यानी कि 1 वॉल्यूम की 60 है 30 है, तो 2 वॉल्यूम की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इसी तरह से अगर इसका पूछता तो कितना हो जाता, 30 ml हो जाता। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन के माध्यम से, एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, अगर जो किन्हीं को ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ओके चलिए, जैसे मान लो मेरे पास है, मैं चलो आप लोगों के लिए एक हैवर प्रोसेस यूज करता हूँ अमोनिया के लिए, ठीक है, अमोनिया के लिए। अमोनिया मेरे पास है, जैसे मान लो कि N2+3H2 इक्वल टू मेरे पास कितना दिया हुआ है NH3 2H2। सबसे पहले रिएक्शन जरूर बैलेंस करना। अब वो मुझसे क्या कहता है, इफ वॉल्यूम ऑफ आपको हाइड्रोजन का दिया हुआ है, यानी कि कितना दिया हुआ है, उन्होंने 90 ml दिया हुआ है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। अब कोई निकाल सकता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, आप लोग एक बार ट्राई भी कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए 1 मिनट समय देता हूं, आप लोग फटाफट से ट्राई कर लीजिए, एटलीस्ट ट्राई जरूर कीजिएगा। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठते हैं या नहीं? यस सर। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ ओके, वेरी गुड, 30 आ भी गया, देखो वेरी गुड। ठीक है चलिए, अब मैं बना देता हूँ 30, वेरी गुड। अब देखो यानी कि आपके पास H2 की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 3 वॉल्यूम, यानी कि मैं पहले लिख देता हूँ, ये 1 वॉल्यूम है और ये कितना है, 3 वॉल्यूम है, और ये कितना है, 2 वॉल्यूम है। ठीक है, अब आपके पास देखो 3 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी दी है, 90 ml दी हुई है, तो 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 ml आ जाएगी। ठीक है, और अमोनिया क्या पूछा है, यानी कि 2 वॉल्यूम है, तो 2 वॉल्यूम है तो यानी कि कितनी हो जाएगी, 60 ml हो जाएगी। आप लोग कैसे 30-30 निकाल रहे थे, मेरे ख्याल, हाँ 160 ml, यानी कि जो है सही है, यानी कि 60 ml जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कराओ। एक और, चलिए एक और आप लोगों के लिए आपके सामने जो है करा देते हैं। जैसे मान लो मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, सपोज करो आप लोगों के लिए, हाँ ओके ठीक है, मैं बनाना चाहूंगा इस बार कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग ला रहा हूँ। आप लोग मेरे को मारना मत कि सर मैं ग्लोबल वार्मिंग क्यों ला रहे हो। ठीक है चलिए, मेरे पास ये है, ध्यान रखना कि सबसे पहले जो है बैलेंस करना। अब यहाँ पे आप बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है बहुत, क्योंकि दोनों सब में 1:1 रेशियो आ जा रहा है, ये बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं और कौन सा सिंपल रिएक्शन होता है, मैं HCl बनाता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को गर्मी ना लगे गर्मी के समय में, इसलिए मैंने बनाना जो है इसको छोड़ दिया है। ठीक है, अब मेरे पास है H2, गर्मी की जरूरत है सर, ठंडे क्या बोले बेटा, गर्मी की जरूरत है सर, गर्मी बनाओ। अच्छा अभी गर्मी बनाओ, हीट बनाए, चलिए ठीक है, चलो मैं जो है हीट ही बना देता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन मैं रिएक्शन जो है इस फॉर्म में नहीं लिखता हूँ। अब मैंने जो लिखा कुछ इस प्रकार से, मेरे पास मान लो ए है 2, बी है 3 और सी है 4, या डी मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ए जो है सी है कार्बन है, बी जो है ऑक्सीजन है, और डी जो है CO2 बन रहा है। ठीक है, एक जनरल मैंने बताया। अब वो क्या कहता है कि इफ वॉल्यूम ऑफ ए इज कितना दे दो कट जाए ताकि कि 60 ml, फाइंड द मैं यही लिख देता हूं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
बी एंड डी, क्या कोई मुझे बता सकता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा आप लोगों ने किसका निकाला? अब बी भी, बी और सी जो भी लिख दीजिएगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू बेटा। आप लोगों ने इस बार जो है यानी 90, 120 जो है वेरी गुड, बहुत ही सही बता दिए इस बार। हाँ अब आप लोग जो है समझ गए, यानी कि आपके पास जो दिया हुआ ए की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 2A की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 ml दिया हुआ है, तो यानी कि 1 वॉल्यूम की कितनी हो जाएगी? ये 2 वॉल्यूम है, कलर चेंज कर देता हूँ। 2 वॉल्यूम की वैल्यू 60 ml है, तो 1 वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि 30 ml हो जाएगी। ठीक है, अब यानी कि 3 वॉल्यूम की कितनी हो जाएगी? 90 ml हो जाएगी, और इसके लिए कितनी हो जाएगी? 120 ml हो जाएगा। वेरी गुड आप लोगों ने, सर मजा आ रहा है। एक और एग्जाम्पल दीजिए बेटा, आगे सिलेबस भी बढ़ाना है। ठीक है आप लोग कहोगे तो मैं क्वेश्चन जो है ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है आगे बढ़े, अच्छे लेफ्ट हो गए हैं। ओके चलिए चलिए, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है चलिए, एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। एवोगाड्रो लॉ बहुत ही, इसका जब क्वेश्चन आता है ना, पता ही नहीं लगता कि एवोगाड्रो से है कि कहाँ से है। एक्चुअली क्या कहता है कि अगर आपने 2 कंटेनर लिए, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 2 कंटेनर, मैं यहीं से ले लेता हूँ, मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के केस को समझाने के लिए यूज करता हूँ। मेरे पास 2 कंटेनर है, एक में मैंने क्या करा, वॉल्यूम कितना ले लिया? 100 ml जो है यानी कि क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। और 100 ml जो है हमने क्या ले लिया? आप लोगों को ये कलर विजिबल है या नहीं है? ओके चलिए ठीक है, मैं तीनों को समझाने के लिए जो है तीनों ले लेता हूँ। यानी कि 100 ml जो है मैंने क्या ले लिया, यानी कि जो है वाटर वेपर ले लिया। अब इसका जो है मैंने क्या कर लिया, यानी कि जो है प्रेशर मैंने 1 atm ले लिया, यहाँ पे भी प्रेशर मैंने क्या ले लिया, 1 atm ले लिया, यहाँ पे भी प्रेशर 1 atm ले लिया। टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, और यहाँ पे भी हमने क्या ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, यहाँ पे भी 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया। अगर आपने ऐसा किया तो जो इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और वाटर के क्या हो जाएंगे, यानी कि सेम हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन और वाटर के वेपर क्या हो जाएंगे, यानी कि सेम हो जाएंगे। यानी कि इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा कि सिंपल सा लॉ क्या कहता है, एवोगाड्रो लॉ, कि अगर आपके पास वॉल्यूम सेम हो, अब हाइड्रोजन का हमने 100 ml लिया और ऑक्सीजन का भी 100 ml लिया, अगर जब प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम रखते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होंगे दोनों के अंदर सेम हो जाएंगे। जैसे उड़ीसा जे में एक क्वेश्चन पूछा था, जैसे मैं आप लोगों के सामने पूछता हूँ कि इन अ कंटेनर, क्वेश्चन है इन इन 100 ml ऑफ H2 एंड O2 आर रिएक्ट, ठीक है, इफ दिस रिएक्शन इज हैपन एट रूम टेम्परेचर एंड, सर OL है कि O2, O2 है, सॉरी आप लोगों के लिए O2, ठीक है, रिएक्शन इज हैपन एट रूम टेम्परेचर, ब्रैकेट में प्रेशर दिया हुआ था, प्रेशर इज 1 atm। ठीक है अब देखो, यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ था वो पहला दिया हुआ था कि H2 का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे NO2 से। बी दिया हुआ था कि NO2 का मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएगा NH2 से। सी दिया हुआ था नंबर ऑफ O2 इक्वल टू नंबर ऑफ H2, ठीक है, यानी किस प्रकार से दिया हुआ था, यहाँ पे एक और ज्यादा लिख दिया हूं, ठीक है, यानी किस प्रकार से जो है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। डी दिया हुआ था नन ऑफ दिस, क्या आप कोई मुझे बता सकता है आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी सी सी, वेरी गुड थैंक यू। यानी कि इसके अंदर जब भी, लेकिन दिक्कत तब आ जाते हैं जब सामने आपके सडनली क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप सही से गेस नहीं कर पाते हो, तो इस चीज को याद रखना कि जब भी आपके पास वॉल्यूम सेम होगा, अगर एक कंटेनर है, जैसे मैं कहूँ कि सपोज करो कि मैंने 2 कंटेनर लिया, इसको समझाने के लिए, एक में मैंने क्या कहा 100 ml जो है क्या ले लिया, यानी कि ऑक्सीजन है तो ये हाइड्रोजन ले रहा हूँ इसमें, और दूसरे कंटेनर में जो हमने क्या ले लिया, यानी कि जो हमने क्या ले लिया, यानी कि O2 ले लिया, और इसका भी हमें क्या दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है। अगर इसके अंदर जो है यानी कि मेरे पास मान लो प्रेशर कितना दिया, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ,
इसके अंदर भी हमने क्या ले लिया, 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया। प्रेशर 1 एटीएम दिया हुआ है तो दोनों का रूम पे हो रहा है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 1 एटीएम हो जाएगा। अगर मेरे को कहता कि ए का जो मॉलिक्यूल्स है वो मान लो सपोज करो 10 मॉलिक्यूल्स है, बता सकते हो इसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? वेरी गुड, यानी कि जो है 10 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाएगा, इस टाइप का आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा तो यानी कि क्या कर लेना, इसको जो है सॉल्व कर लेना। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, आगे बढ़े। अगर जब किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते चले जाना। वेरी गुड मुदित, आशुतोष नेगी, गुड, यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है ना यानी कि कर लिए। अब हम लोग जो है बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, यानी कि थैंक यू प्रथम। ठीक है, यानी कि डाल्टन्स ने क्या कहा कि जब भी आप कोई भी चीज बनाते हो, ठीक है, यानी कि क्या करते हो, यानी कि डाल्टन्स के अनुसार से उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने कहा था कि मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, यानी कि जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है एटम्स कहते हैं। एटम को उस समय के अनुसार से एटम को डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, वैसे भी सोचो बहुत छोटे पार्टिकल है, उसको डिवाइड करना भी काफी ज्यादा जो है मुश्किल हो जा रहा था। तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या कहा कि मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसको हम लोग फर्दर जो है यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि जो होगा अगर जो सिमिलर एटम होगा, जैसे मैं कहूँ कि आपके पास मान लो कि हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, अगर जो देखो तो इसके हर ऑल एस्पेक्ट में, यानी इसका मास सेम होगा, इसका कलर सेम होगा, इसका वेट सेम होगा, यानी कि हर एस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, सारी चीजें सेम हो जाएंगी। तो जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारी की सारी वैल्यू सेम हो जाएगी, चाहे केमिकल रिएक्शन की बात करो या। लेकिन सेकंड क्या कहता है कि अगर जो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर जो एटम यानी कि क्या करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन में यानी कि जो है क्या करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो होते हैं यानी कि क्या होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन में जो है यानी कि क्या करते हैं, यानी कि पार्टिसिपेट करते हैं। अगर जो किन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रही, तो आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग लेफ्ट मत कीजिए, कम से कम कुछ। हाँ ठीक है सर, जो फिर से बोलिए बेटा। सर ये सर दूसरा पॉइंट नहीं, आइटम्स और सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल, सर आइडेंटिकल का मीनिंग सेम ही होता है? हाँ आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम। ठीक है, यानी कि अगर जो आप आइडेंटिकल ले रहे हो, जैसे कहते हैं ना ये आइडेंटिकल ट्विंस है, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम है। आप लोगों ने आइडेंटिकल ट्विंस को देखे हो? अरे जरूर, यस यस। कहाँ देखे हो बताइए, कहाँ देखे हो? हाँ वेरी गुड, मैं भी यही बोलने जा रहा था। आप लोगों ने कपिल शर्मा के शो में जो है चिंकी मिंकी को देखे होंगे, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। वहां पे भले अलग प्रॉपर्टी होगी, किसी की कुछ और थॉट आ रहा होगा, किसी का और थॉट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ऐसा तो कुछ ही सोचते नहीं है, इसका मास भी सेम होगा, कलर भी सेम होगा, यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है यानी कि सेम हो जाएंगी। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर जब वो डिफरेंट होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, हमारे स्कूल में भी है। अरे वाह, ठीक है, कौन है भाई, चिंका चिंकी है कि चिंकी मिंकी है, बताइए आप लोग किस स्कूल में कौन है? अच्छा सोनिका मोनिका है, वेरी गुड, थैंक यू, तुम तो बड़े एकदम कमाल के स्टूडेंट हो यार। चलिए तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से यानी कि अगर जो डिफरेंट एलिमेंट होगा तो यानी कि इसका मास क्या हो जाएगा, अच्छा रिपीट कर दो, मैंने कहा कि अगर जो सिमिलर आइटम होंगे तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, और डिसिमिलर आइटम होंगे तो उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिसिमिलर होगी। जैसे मैंने कहा सिमिलर आइटम ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इसका मास, कलर, मास, ये सारी चीजें जो है, एटोमिक वेट, ये सारी केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इसकी रिएक्टिविटी, ये सारी सेम होगी। लेकिन अगर डिफरेंट आइटम ले ले रहे हैं, एक हाइड्रोजन ले ले रहे हैं, एक ऑक्सीजन ले ले रहे हैं, तो इनकी जो होगी वो क्या हो जाएगी, यानी कि डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो सबसे छोटा पार्ट होता है यानी कि एटम्स ही केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, यानी कि जो है पार्टिसिपेट करता है, जिस कारण से ये क्या करता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम विच कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो होता है केमिकल रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद कहता है एटम ऑफ टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, ये जो होते हैं यानी कि क्या होंगे, यानी कि एक सिंपल होल नंबर के
कंपाउंड के फॉर्म में जो है यानी कि बनते हैं। जैसे कि हमने कहा अभी तक कंपाउंड जब भी बनेंगे वो हमेशा किस रेशियो में बनते हैं, यानी कि एक फिक्स रेशियो में बनते हैं। आपको एक और बात मैंने बताई थी, कंपाउंड यार होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कोई मुझे बता सकता है? हाँ बोलिए। मिक्सचर ऑफ गैसेस होमोजेनियस? नहीं वो तो ठीक है, मैंने ये पूछा कि कंपाउंड होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं या हेट्रोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर। हाँ वेरी गुड, यानी कि होमोजेनियस होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे जो है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यानी कि जो है ये कैसे होते हैं, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन सेपरेशन रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन में यही तीन चीज होती है, कौन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन होगा, या तो दो एटम कंबाइन करेंगे, या सेपरेशन होगा यानी कि टूट जाएंगे, या फिर जो है जैसे होता है ना डिकम्पोजिशन, या तो सेपरेट हो रहा है, या फिर क्या होगा रीअरेंजमेंट होगा। यानी किस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आपके केमिकल रिएक्शन जब भी होंगे तो यही तीन चीजें होते हैं, कॉम्बिनेशन होंगे, या तो जुड़ेंगे, या तो टूटेंगे, या तो रीअरेंजमेंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यानी जिसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हो, कॉम्बिनेशन को एडिशन रिएक्शन कहते हो, और उस सेपरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, रीअरेंजमेंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। बाद में आप लोगों को जो है पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो ज्वाइन कर सकते हो। अब इसकी लिमिटेशन थी, सबसे पहले तो लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने कहा था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एटम को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में कर दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वैसे टोटल 12 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एसो न्यूट्रिनो एसो प्रोटोनो क्वार्क्स एंटी क्वार्क्स बोसॉन मेसॉन अप क्वार्क्स डाउन क्वार्क्स, और इस टाइप से टोटल 12 पार्ट्स होते हैं हम लोगों को। लेकिन तीन ही टाइप के पढ़ने हैं, यानी कि कौन कौन से जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि जो है इस प्रकार से, वेरी गुड, अपने भी आंसर दे दिए क्वार्क्स। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से जो है, यानी कि इनको जो हम लोग क्या करते हैं, इट फेल्ड एक्सप्लेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। यानी कि अगर जो मैं कहूं कि देखो हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी मास क्यों चेंज हो जाती है, ड्यू टू द यानी कि इसका अरेंजमेंट के कारण जो है, यानी कि इसका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, यानी कि बिल्कुल क्या हो जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, क्योंकि मेरे को फटाफट से लीव करना है, इसलिए मैं फटाफट से इस पॉइंट को कंप्लीट कर रहा हूँ। अब मैं कल की क्लासेस में जो है समझा दूंगा फिर से। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर टू फॉर्म एटम इन मॉलिक्यूल। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसमें क्या होते हैं, यानी कि नेचर होते हैं, यानी कि जो बॉन्ड बने होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बाद जो है यानी कि जो गे लुसाक जो है कंबाइनिंग वॉल्यूम्स को नहीं इसको एक्सप्लेन कर पाया था कि कैसे जो है यानी कि ये जो है कंबाइन करते तो इसका वॉल्यूम चेंज होता है। मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि 58 हो चुका है, सेकंड वाले बैच वाले जो बच्चे काफी इंतजार कर रहे हैं, तो मैं फटाफट से लीव करता हूँ। कोई भी डाउट हो तो कल हम लोग जो है 15 मिनट आप लोग पहले आना, थोड़ा सा प्रयास करना कि जो है आप लोग टाइम पे आ जाओ। ठीक है, मैं फटाफट से इसको स्किप करता हूँ। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट सर। गुड नाइट रख रहा हूँ, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय। गुड नाइट सर। हेलो हेलो, वो कुछ तेरा पेपर होगी इंग्लिश दा? हाँ जी होगी भाई। ये दे यार कोई नाचू अंगड़े थे कौन दे पेंटिंग का काम है? नहीं यार, चंबे चंबा 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 अंगड़े आ मेरे कोई कांगड़े आ मैं देखा था ते हाली हाँ पेपर लगे हूं गल कर ये तो यार को पेपर इंग्लिश का मेरा पहला इंग्लिश का पेपर करो दियो यार। ओए आशुतोष मैगी कौन है? क्या बता कौन है, कौन है भाई आशुतोष मैगी कौन है? नोटा वांगा मेरे थे पढ़े हो ये पेपर की लगने पढ़े नहीं हो ये लेकर
बस लगी पौने ना। डेट शीट आए मैं नहीं है, नहीं आई लिखो। अच्छा बाय लगे फिर चीते हार्ड नहीं लगने। हाँ जो बोले पे लोड के बाद लगने थोड़े पेपर, ये लोड के पहले पहले भी लगी सकते पहले। ही होने के लिए बचता भी एनुअल फंक्शन आई है ना। अजकल स्कूल ने टेस्ट ही लग गए होने। टेस्ट के बुरे ले पढ़ा रहे स्कूल के टीचर टेस्ट है पढ़ा लिखे कंप्लीट नहीं आया। जी तुम्हें कितना साइड देते ना। मेरा अनिताल ज्वालाजी साइड वहां अच्छा। को साइड से आई हाँ मीर पे यार नदौने यार साइड आते गया तो आड़ा मंत्री जी। हाड़ा मंत्री था यह मंत्री का हाड़े करे थे नेड़े ही है ना। घुमा रही है पोस्टिंग के ये तंत्री पता अरे पोस्टिंग आई है थोड़ा मंत्री का हाड़ी कार दूर है ना, हाड़ी कार मंत्री थे के बोलते मतलब दूर ना, हाड़ी कार ने दौड़ बोलते लेकिन है दूर मतलब मैं तेने बोले ही ना मतलब हाड़ी नेड़े दे आया ना था बोला पोस्टिंग आई है तुम क्या पता। हां जी यहाँ पढ़ाई है निर्ले हाड़ा काम में पढ़ाई करना जो नदौड़ मंत्री कता ओन थे न दौड़ आ कता थे नदौने नदौने पीछे जेड़ा कोला कलूर नहीं पौंदा उत्थे उस साइड ते ना अच्छा तो हां। अच्छा परसाई परसाई सुने ना सुने सुने हां हाँ बस तहाँ भी दिखती है ना। अच्छा कल हाँ ठीक है मुड़िए तू हिम्मत जान दे तू ऐसा दे पेपर आप एक हाल जेड़ा जेई दी लास्ट होया। कल कितने नंबर आए नीचे से मेरे तो 100 भी नहीं है टेस्ट का किन्हें बड़ा टेस्ट है ना। है तो हां जो पता 700 भी है कि 100 भी है ते होना ना, लेकिन तीन च किन्ने नंबर आए। पता चामिन जी मेरे तो पता नहीं बी है ठीक है। अच्छा चलो मुंडे ठीक है मेरी चल दे भी कितने नंबर आए आपके 30 में से 20 में से तो बीस मेरे है मतलब 30 में से 20 आए ना। 30 का पेपर, 30 का पेपर था जेई का ना। अच्छा। रुका रहा मैं दसदा मैं डिलीट ही करती ये भाई ने मेरे करेक्ट मेरे भाई ने भाई ना करेक्ट भाई अच्छा कितने कितने देखी कितने की और सर्च मार के कितने की अप्पू हाँ कितने ते उन्हें क्वेश्चन है। भी मैंने आधे भी छीने भी कर ले उन्हें अप्पू कितने सारे हैं पर तो अधे तुके भी लाए हो अधे केड़ा है अप्पू भी जेनी कितने दस सोल तूने में नकल हार कितनी की अभी नहीं हफ्ते नहीं की जे इधर तो ये बोलते जरा भी निकल नहीं नहीं मिली मिली हो जरा भी निकल नहीं देती। हार्ड जे टीचर ना बहुत पारी स्ट्रिक्ट ने में पूछे ही मत। साढ़े पूरी नकल मार कितने 11 बजे सेलेक्ट हो गए साढ़े भी जरा भी निकल नहीं मिली। हाँ वो जी तो आने स्कूल एलईडी में आएंगे नो या हाँ हाँ सरदार मतलब हाँ आयो तो वो ये स्टार्ट दी थी पढ़ाई की अप्पू पढ़ा देगी मास्टर हमारी मास्टर फिजिक्स पढ़ा दे केमिस्ट्री जो अद तू यार हां जो 3 है समझा दे। अटैच मतलब अथा ने याद नहीं अटैच बड़ी बड़ी है एलसीडी है
हाँ मोबाइल पैरेंट्स आईपी है। सर्टिफिकेट देंगे। हाँ क्या आईपीआर अपना हाँ, जो तो बोलते हैं थोड़े सर बढ़ना, मतलब कोई चक्कर नहीं। थोड़ा सिलेबस ना मार वो सिलेबस मार को नहीं। हाँ नहीं मैंने कुत्ते हैं पीयू कराने को अब दिने चाहिए चैप्टर कराइए दी। ये अभी 10 मिनट चली गई सारे इतने सिलेबस से सारा मुक्की बस सारे टेस्ट दे, टेस्ट चल रहे हो। हमारे आधे खाली चलने सिलेबस चाहिए। ही हुए हैं। हाँ ये पीछे चली पेपर चेकिंग करना क्या ने फिर उड़ाया तू उड़ता भी इतनी दौड़ रहा ये पूछा मतलब। प्रैक्टिस से पहले इलेक्शन आईडी की इससे हाँ पहले दिखती है बीजी 2-3 महीने सगन दौड़ी दसी रे। बड़ी। हाँ यार तो बड़ा हाँ कुछ आता पता लग गया है नहीं स्क्रीन में लग गई तो बड़े बड़े पढ़ के। हाँ लाइट तो नहीं वो ही है मोबाइल ले तो ज्यादा। नहीं नहीं यार ये समझ इन्हें क्लास टीचर। थोड़ा वो तो होता ना जो शुरू शुरू जो होता है उनका सिरे ऊपर ही जाता है मजाक नहीं वही क्यों सागर। बोलते वो जिन्हें भी हाँ जी कोई मतलब क्वेश्चन पूछ देना मतलब सर तो अद्धे दिखी के अद्धे तो क्या बोलते लग गए उनके फोन पर सर्च मारना। गूगल खोल ले अद्धे बंदे तैयार होंगे बिल्कुल बैठे हो यार क्या के बिल्कुल यार तैयार बैठे होंगे पे ना ज्यादातर क्या कुड़ी मुंडो भी तैयार बैठे होंगे बिल्कुल। क्वेश्चन गूगल च कड्डे है ना पे ये तो पूछे एक गूगल मतलब बच्चे अल्लाह की बोल दे मैं क्वेश्चन काफी इच कर दी हूं देखिए ना वो जवाब देना जवाब देते हैं अंदर खड़े थे मैं एक अल्लाह बारी सर कड्डे गूगल पे सर तो आंसर बोलने ये पहले आंसर आया अंदर तो क्या करना पड़े। सब गूगल कमाल है सही था कराए बैठे पास आने कुमार चाहिए ये चीज। पूरी कर दी ना जो आई ना है नितिन कुमार नहीं है पता नितिन कुमार है तो ज्वाइन नहीं करती कुड़ी जी है ना भी ही माननी है। नहीं नीलम कुमारी नहीं है। नहीं नहीं ओ जी नीलम कुमारी है ना है मतलब मैं ही हो पता ये तो मैं आज दूजे फोन इतने ज्वाइन क्लास असली अच्छा आईडी मेरी ये है। नीलम कुमारी नहीं नहीं नीलम कुमारी मतलब है मेरे पाइयों दी मैं उन्हें तो लवांदी ही ना क्लास तो आज मैं ये बोल दे इसी फोन ने तो लुआई क्लास अपने फोन ने थे डैडियों ही तो फोन ने थे। भाई बने तो हम टैलेंट नहीं है जो आप एकदम ही आइए। हाँ दिखा रहे होंगे ना कहाँ सबसे पहले नहीं तो मैं नहीं दिंदी मैं तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर दी हुंदी है लेकिन सॉल्व कितने नहीं करे अद्धे तो आंसर भी दे इंदे पढ़ते नहीं मैं तो सॉल्व कर दी हुंदी क्वेश्चन पे सब कुछ जेड़ जेड़ सरा मतलब जेड़ दहड़ा है पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट में मैं तो मतलब बड़ा है लाई लिए 10 साल खरा ही नहीं ना ऑनलाइन क्लास वास्ते तो एक ही चीज लिखनी के अद्धे बंदे तो पहला ही क्वेश्चन पे दे इंदे आंसर यहाँ क्या करना। हुंदे। वो इंस्ट्रक्टर ला दौड़ते कोई क्या बोल रहे थे इंस्ट्रक्टर ऐनी सुनो वो तो आवाज नहीं होती लांदे हुए वहां नहीं नहीं मैं चलान दी बाकी पढ़ाई कोई नहीं 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 मैं लेवल चला की आईडी बनाई है लेकिन चलान दी नहीं कितनी शुरू करी है बड़ा। तू चलान दे। अच्छा चलो ठीक है भाई ठीक है मित्रों कल मिलते हैं 9 नहाते ठीक है मैं नहीं होना ठीक ठीक है गुड नाइट। है चलो गुड नाइट तू पढ़ना भी है उन्हें बैठे हो अंदर हो जी पर पेपर है कल नहीं छुट्टी नहीं मान ली स्कूल पूरे तक बोलते कुछ भी नहीं काम तो वही है अपना वो ये कर लाने छोड़ इतनी जल्दी। और क्या। हाँ तो उसको मिनट निकाल दे अच्छा था नोट इन्ना भरे काम
ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਥ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਲਿਖਣੇ ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਆਹ ਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਮਿੰਜੋ, ਉਹਦੀ ਨੋਟ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਚੱਲੇ ਆ? ਕੰਦਾੜਾ ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਟੈਗਲਾ ਤੇ ਲੈਸਨ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਾਇਸ ਕਰ ਦੇ ਲੋਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਨਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 5 ਜਣੇ ਨੇ 11ਵੀਂ ਪਲੱਸ ਵਨ ਚ। ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਵਨ ਚ 11 ਬੁੱਢੇ ਹੈ ਨੀ ਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਜੀ ਡੀਪੀ ਉਹ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਈ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਡੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕਲਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਖਿਤ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫੇਮਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ 6 ਜਣੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਜਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਟੋਪਰ ਟੋਪਰ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪੇ ਫੇਮਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪੇ ਬੜੀ ਬਸ਼ਰਮ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ।